प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नम् प्रकाशयति भारत प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ये विदुर्यान्ति ते परम् दृष्टा में अनेकत्व की जो धारणा है, दृष्टा में अनेकत्व की जो मान्यता बनाई गई, वो किसी भी प्रमाण से सिद्ध होती नहीं है। अनेकत्व का जो दर्शन है वो क्षेत्र में होता है। पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जिन लिंगों के आधार पर दृष्टा में अनेकता की बात कही जाती है, वो सारे के सारे लिंग क्षेत्र के बोधक हैं, दृष्टा के बोधक नहीं हैं। इस बात पर पूरी तरह से दृढ़ता से निश्चय होना चाहिए। क्रिया में अनेकत्व जरूर होता है, लेकिन क्रिया क्षेत्राश्रित है, क्रिया क्षेत्रज्ञ में नहीं होती। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि सुख दुख का वैचित्र्य है, सुख दुख से युक्त जो अंतःकरण है, यह अंतःकरण निश्चित रूप से एक दूसरे से अलग है, इनमें परस्पर अन्योन्या भाव है। लेकिन सुख दुख की जो स्थिति है वो अंतःकरण में है, न कि आत्मा में है, न कि क्षेत्रज्ञ में है, न कि दृष्टा में है। तीसरा जो लिंग था वो था बंधन और मुक्ति का। बंधन की स्थिति आत्मा में स्वीकार करना कहाँ तक ठीक है? अगर बंधन का हेतु अविद्या है, सभी लोगों के मत में बंधन का हेतु अविद्या ही है, चाहे वह अविद्या की परिभाषा अलग हो, चाहे उस अविद्या का स्वरूप अलग हो, लेकिन सभी दार्शनिकों ने ज्ञान से मुक्ति मानी है। ध्यान रखना, सभी दार्शनिकों ने।
और सभी दार्शनिकों ने अविद्या से ही बंधन की स्थिति को स्वीकार किया है। अगर यह बात पक्की है तो ये खोज का विषय होगा कि अविद्या का स्थान बुद्धि है या आत्मा। जो अज्ञान है और जो अज्ञान से उत्पन्न मिथ्या ज्ञान है, ये दोनों के दोनों बुद्धि में निवास करते हैं, ये आत्मा में, दृष्टा में, क्षेत्रज्ञ में निवास नहीं करते। यह बात बिल्कुल आसानी से समझी जा सकती है। अब अगर ये बातें साफ हैं तो अनेकता की यस अनुभूति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, अनेकता की अनुभूति है। लेकिन वक्त जहाँ है वहीं उसको स्वीकार करना चाहिए, जहाँ नहीं है अगर वहाँ हम उसको मानेंगे तो वो अध्यास कोटि में आएगी, न कि ज्ञान की कोटि में। क्षेत्र में अनेकता है, यदि यह बात कोई मानता हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्षेत्रज्ञ में अनेकता है तो ये बताना पड़ेगा कि उस अनेकता को क्षेत्रज्ञ में उसने कैसे देखा। क्षेत्रज्ञ ही अप्रमेय है। पहली बात तो यही है कि जिसको आप क्षेत्रज्ञ कहते हो वह अप्रमेय है, किसी भी प्रमाण का विषय कभी नहीं बनता। तो फिर उसको आप श्रुति प्रमाण से यदि उसके लक्षणों की बात करोगे, श्रुति में कभी भी अनेकता का प्रतिपादन नहीं होगा। तो ये ठीक है कि अनुमान भी एक प्रमाण है, लिंगों के द्वारा अनुमान होता है, ये ठीक है। लेकिन जिसका वो लिंग, ये बात ध्यान में रहे कि जिन लिंगों को देख करके क्षेत्रज्ञ में अनेकता का आरोप किया जा रहा है, वास्तव में वो लिंग क्षेत्र के हैं, न कि क्षेत्रज्ञ के हैं। अंतिम जो बात कही जा रही थी वो थी कि यदि दूसरे की बुद्धि, माने सभी बुद्धियों का यदि दृष्टा एक है, तो जिस तरह से मेरी बुद्धि प्रकाशित होती है और मैं जानता हूँ अपने बुद्धि के धर्मों को, अपने बुद्धि के स्वभाव को, काम को, क्रोध को, दया को, करुणा को, संकल्प को, संदेह को, श्रद्धा को मैं जानता हूँ, उसी प्रकार से मुझको सभी बुद्धियों में उठने वाले विचारों का ज्ञान होना चाहिए। अनुभव कहता है कि ऐसा नहीं होता। तो चूंकि मैं जो दृष्टा हूं वो केवल मेरी बुद्धिगत विषय को जानता हूं, मेरी बुद्धि को ही प्रकाशित करता हूं, और मेरी बुद्धि का मैं ज्ञाता हूं, इस विषय में तो मुझे कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, संशय की जरूरत नहीं है। मेरी बुद्धि में क्या उठता है यह बात मैं जानता हूं, माने अहम ज्ञाता, यह जो मेरी पहचान है यह तो है ही है। और अहम ज्ञाता यह बात जानी हुई है, वो मेरी बुद्धि का मैं ज्ञाता हूं यह बात भी जानी हुई है। यह भी मैं मानता हूं कि मेरी बुद्धि का ऐसा कोई विचार नहीं है जिसको मैं नहीं जानता।
मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, ऐसा भी जरूर कहा जा सकता है कि बुद्धि का ऐसा कोई विचार नहीं है जो नहीं जाना जाता। माने बुद्धि के विचारों में ज्ञेयत्व है, बुद्धि के विचारों में विषयत्व है, ये बात भी कही जा सकती है। लेकिन ये बात भी कही जा सकती है कि बुद्धि के जो विचार हैं वो मेरे विषय हैं। आपको आया ध्यान में, वो किसी और के विषय नहीं है बल्कि मेरे विषय हैं। यदि बुद्धि के विचार ज्ञेय हैं तो मैं ही उनका ज्ञाता हूं। ज्ञाता अज्ञात नहीं है, ज्ञाता परोक्ष नहीं है, ज्ञाता अन्य नहीं है। अन्यत्वे सति प्रमेयत्वम् एक सूत्र है, जिसमें अन्यता होगी निश्चय है, निश्चय ही वो प्रमेय होगा। यानी ये नियम बन गया कि अन्यता किसी न किसी प्रमाण का विषय जरूर होगी, और यदि वह प्रमाण का विषय नहीं है तो उसका होना सिद्ध नहीं हो सकता। अन्यत्वे सति प्रमेयत्वम्। प्रमेयत्वे सति दृश्यता, और अगर प्रमेयत्व है उसमें तो वह दृश्य कोटि में जाएगी, और फिर जो दृश्य है फिर वो सारे रोग लगेंगे उसमें। जो दृश्य है उसमें जड़ता होगी, और जो दृश्य है उसमें विकारता होगी, परिच्छिन्नता होगी और नश्यमानता होगी। ये देखो, तो इस तरह से सूत्र बना देते हैं आचार्य लोग। अन्यत्वे सति प्रमेयत्वम्, प्रमेयत्वे च दृश्यता। तो बिंदु ये है कि ज्ञाता अपरोक्षत्वेन ज्ञात है, प्रमेयत्वेन ज्ञात नहीं है, क्योंकि ज्ञाता अन्य नहीं है, ज्ञाता अहम वस्तु का नाम है। किस रूप में ज्ञात हो रहा है? ज्ञाता रूप में, विषयी रूप में। और यहां पर समस्या जरूर आ जाती है। कल हमने इस यहीं कक्षा पूरी करी थी। यहां पर समस्या क्या आती है कि जब मैं अपने को ज्ञाता के रूप में अनुभव करता हूं तो मेरा अनुभव यही होता है कि मैं मेरी बुद्धि के समस्त विचारों को जानता हूं। ये सच है, बुद्धि के समस्त व्यापार मुझे मालूम पड़ते हैं, ये सच है। तो मैं अपनी बुद्धि का ज्ञाता हूं, चाहे आप उसको दृष्टा कह लो, चाहे आप उसको ज्ञाता कह लो। ज्ञाता और दृष्टा कहने में क्या अंतर है? अंतर अधिक से अधिक ये बनता है कि जब ज्ञान से ज्ञाता प्रभावित होता है तब उसको ज्ञाता बोलते हैं, और जब अपने ज्ञान से दृष्टा प्रभावित नहीं होता, असंग रह जाता है, तब उसको बोल देते हैं दृष्टा है। माने असंगता की उपाधि लेकर के ज्ञाता को ही दृष्टा बोलते हैं। सोच के देखो आप, माने जो असंग है
यानी असंग धर्म से युक्त मालूम पड़ता है, उसको हम साक्षी शब्द से बोलना ज़्यादा ठीक समझते हैं बजाय कि ज्ञाता के। ज्ञाता भोक्ता के निकट चला जाता है, क्योंकि जानना ही भोगना है। ये तो मैं अपने आप को ज्ञाता के रूप में अनुभव करता हूँ, वही असंगता की स्थिति में दृष्टा कहलाता है, वही अहम सत्ता के रूप में अनुभूयमान है, वही अहम प्रत्यय का सार है, अस्मत् प्रत्यय सारः, अस्मत् माने अहम। अब यहाँ पे एक अनुभव के धरातल पर उठने वाली एक बात है कि मैं तो दूसरे की बुद्धियों को नहीं जानता। यह तो ठीक है कि भोग क्षेत्र में हो रहा है, माने सुख दुख आदि का जो आश्रय है वो क्षेत्र है, क्रिया का आश्रय क्षेत्र है, वो सब ठीक है। लेकिन जो मैं विषयी हूं, मैं जो दृष्टा हूं, वो मैं ही दृष्टा हूं, यह जो दृष्टृत्व है वो कहां है, मैं में है। दृष्टा शब्द वाच्य अथवा दृष्टा शब्द लक्ष्य मैं हूं, अहम तत्व है वो, वह प्रमेय है। उसके बारे में जब मैं अध्ययन करता हूं, उसके बारे में जब मैं सोचता हूं, तो ऐसा नहीं लगता है कि वह दृष्टा सभी बुद्धियों का दृष्टा है। तो इस रीति से दृष्टा में अनेकता का अनुमान होता है, अथवा आप और उसको मुलायम करना चाहते हैं तो ये कहेंगे कि इस रीति से दृष्टा में अनेकता की मान्यता बनती है। अनेक बुद्धियां हैं और उन बुद्धियों का अलग अलग ज्ञाता होना चाहिए। उपमान प्रमाण क्या है, मैं जैसे स्वयं बना नहीं है। सो कल हमने जो इस विषय पर बात करी कि अंतःकरण दृश्यमान है, अंतःकरणों में अनेकता है, माने प्रमेय में, ज्ञेय में, दृश्य में, क्षेत्र में अनेकता है, और उसी की प्रधानता लेकर के जब हम सोचते हैं तब हमको दृष्टा में अनेकता की भ्रांति हो जाती है, माने अंतःकरण की अनेकता का आरोप हम कहाँ कर रहे हैं, दृष्टा में कर रहे हैं। कल हम लोग ये बात कर रहे थे, हमने दृष्टांत दिया था कि नासिका की उपाधि प्रधानता में है तो वायु में अनेकता का आरोप हो रहा है, वायु पर दृष्टि डाली जाए तो उसमें विभाग नहीं है। इसी तरह से घट की उपाधि में प्रधानता है तो आकाश में अनेकता का आरोप बन रहा है, आकाश पर दृष्टि रखी जाए तो अनेकता नहीं है, अनेकता का आरोप हो रहा है। यहां पर एक गांठ और है जिसको कि जरूर छूना चाहिए, वो क्या गांठ है कि जिसको मैं ज्ञाता बोलता हूं, जिसका एक दूसरे ज्ञाता के साथ अन्योन्याभाव है, वो कौन है, वो दृष्टा है
ज्ञाता ही दृष्टा है या फिर एक आभास चैतन्य है और एक कूटस्थ चैतन्य है। देखो तीन प्रणाली हमारे यहाँ बोली जाती है। एक होता है प्रतिबिंब चेतन, माने बुद्धि में प्रतिबिंबित हो करके जो चेतन है उसको हम बोलते हैं प्रमाता, उसी को बोलते हैं हम ज्ञाता, वही है भोक्ता। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंते, ये देखो। तो मैंने प्रतिबिंबित चेतन, अच्छा ये विद्यानंद स्वामी जी, विद्यारण्य स्वामी जी, आनंद गिरि जी महाराज इस परंपरा पर विशेष बल देते हैं, प्रतिबिंबवाद जिसको बोलते हैं। बल्कि विवरणकार इस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। विद्यारण्य स्वामी जी का एक वाद है, उसको बोलते हैं आभासवाद, माने उसका खुलासा उन्होंने किया पंचदशी में, तो उसको बोलते हैं वो आभास चेतन, प्रतिबिंबित चेतन की बजाय यहां प्रतिबिंब और बिंब का भेद है, वहां पर है आभास और कूटस्थ का। आभास चेतन का दृष्टांत ले लो आप तो थोड़ा सा भेद समझ में आ जाएगा। आभास चेतन क्या है, जैसे बाल्टी में या घट में जल रखा हो, तो जल रखने के पहले जब हम बाल्टी को देखते हैं तो उसमें आकाश होता है, उस आकाश का नाम रखा जाएगा कूटस्थ आकाश, बना। घट जो खाली है उसमें जो आकाश है वो है कूटस्थ आकाश, फिर उस कूटस्थ आकाश में जल भरा गया, तो कूटस्थ आकाश आधार बना किसका, जल का, और घट का भी वास्तव में है। तो जल भरा गया, अब उस जल में आकाश प्रतिबिंबित हुआ। देखो यहां प्रतिबिंबवाद तो है लेकिन उस तरह का नहीं है जैसे सूर्य प्रतिबिंबित होता है, भेद आया, इसको साफ कर लो आप। बिंब ऊपर है, प्रतिबिंब घट में है, ये प्रतिबिंबवाद हुआ। लेकिन आभासवाद का स्तर क्या है कि जिस घट में आकाश है उस आकाश में ही जल है और फिर उस जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो वह जो फिर जल में हम देखते हैं गहराई, और अगर रात को देखें तो तारा भी दिख जाएगा, तो उस आकाश को जो अब प्रतीत हो रहा है, जलगत जो आकाश है जो प्रतीत हो रहा है उसको बोलते हैं आकाशाभास, ये हुआ। तो यहां पर दो आकाश हैं, घट में ही दो आकाश हैं, एक है आभास रूप आकाश और एक है अधिष्ठान रूप आकाश, यानी कूटस्थ आकाश। ध्यान रखना, कूटस्थ आकाश का महाकाश से कोई भेद नहीं है। यह भ्रम है कि कूटस्थ आकाश घट में है, इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा, यथार्थ ज्ञान यही है कि जो कूटस्थ आकाश है उसी में सारी पृथ्वी सारा प्रपंच है, घट की क्या बात करें। तो वह घट का भी आधार है, घट के बाहर भी है, घट के
भीतर भी है, वही जल का भी आधार है और वही फिर आकाशाभास का भी आधार है। ये देखो, इसको बोलते हैं आभासवाद। अब यहां दार्ष्ट्रांत में देखो, घटस्थानी हुआ शरीर। देखो ये शरीर को जब हम घटस्थानी बोलते हैं तो वो लोक दृष्टि को स्वीकार करके बोलते हैं। आपको बताएं कि अधिष्ठान शब्द का अर्थ शरीर भी होता है। गीता में ही अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम नहीं याद है, दैवम चैवात्र पंचमम। तो वो अधिष्ठान जो है वो देह है वहां पर। देखो ब्रह्मसूत्र भाष्य में भी एक जगह अधिष्ठान शब्द का अर्थ आता है देह। कैसे कहा ये देह को अधिष्ठान क्यों कह रहे हैं? नहीं अधिष्ठानम अनुपादाय इंद्रियाणि प्रवर्तन्ते, ये भाष्य लिखा। माने इंद्रियां बिना शरीर का आश्रय लिए अपनी प्रवृत्ति नहीं कर सकती, ऐसा भाष्यकार बोलते हैं। तो ये क्या है कि हमको जो अनुभव में होता है कि शरीर में लिंग शरीर रहता है, ठीक है, शरीर में बुद्धि रहती है, शरीर में सूक्ष्म शरीर रहता है, ये हमारा अनुभव है। इस अनुभव पर विवाद न खड़ा करके उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जिस पर मीमांसा करनी है वो इससे ज्यादा सूक्ष्म चीज है, तो आप उस पर ध्यान दो। क्या हुआ? शरीर है घटस्थानी, लिंग शरीर है जलस्थानी। ये देखो, और लिंग शरीर में सूक्ष्म शरीर में फिर जो चेतन का आभास पड़ रहा है उसका नाम है प्रमाता, वो है आभास आकाशाभास स्थानी। तो जो प्रमाता है वो आभास चैतन्य का नाम हो रहा है और उसका अन्योन्याभाव है, ध्यान रखना। उसका एक दृष्टा से दूसरे, एक ज्ञाता से दूसरे ज्ञाता का अन्योन्याभाव है। जब हम ये अनुभव करते हैं कि मैं अपनी बुद्धि को जानता हूं, दूसरे की बुद्धि को नहीं जानता हूं, तो यह एक अनुभव है और इसकी व्याख्या होनी चाहिए। किसी अनुभव की व्याख्या किए बिना, उसका विश्लेषण किए बिना दृढ़ प्रमा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कोई मेरी प्रमा ऐसी मैं बना रहा हूं जिसमें कोई अनुभव हमारा छूट जाए, अथवा कोई अनुभव हमारी उस प्रमा का विरोध करता हो, अव्याख्यात रह जाए, तो वो बात बनेगी नहीं। तो अन्योन्याभाव है, इसको हम मना नहीं करते हैं, लेकिन किसमें है? दृष्टा में नहीं, क्षेत्रज्ञ में नहीं। पहले बीच में एक चीज डाल लो आप, प्रमाता में है, आभास चेतन में है, न कि कूटस्थ चेतन में है। अच्छा, वाचस्पति मिश्र जी की जो परंपरा है, उन्होंने जिस शब्द का को वरीयता दी, प्रेफर किया, वो है अवच्छेदवाद। उन्होंने कहा अंतकरणावच्छिन्न चेतन प्रमाता है। अब देखो तीन बात बने, अंतकरण में जो आभास रूप चेतन है वो प्रमाता है,
अंतकरण में जो प्रतिबिंबित चेतन है वो प्रमाता है, और वाचस्पति मिश्र जी ने कहा अंतकरण में अवच्छिन्न जो चेतन है वही प्रमाता है। अवच्छेदवाद, आभासवाद और प्रतिबिंबवाद, तीन वाद हुए। बिंब प्रतिबिंब का भेद है दृष्टा और प्रमाता में, आभास और कूटस्थ का भेद है दृष्टा और प्रमाता में, और अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न का भेद है दृष्टा और प्रमाता में। नहीं देखो, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो गया। अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न, अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न का भेद है प्रमाता और दृष्टा के बीच में। देखो ये तीनों वाद हमारे हैं, और तीनों वादों का भगवान भाष्यकार ने सूत्र रूप से स्थान स्थान पे उल्लेख किया है। इसका जो ओरिजिनेटर है, इसका मूल कोई विवरणकार नहीं है, न तो विद्यारण्य स्वामी जी हैं, न तो वाचस्पति मिश्र है। आपने केनोपनिषद में देखा होगा प्रतिबिंब का भी वर्णन है, अवच्छेद का भी वर्णन है, और मैं दिखाऊंगा कभी ठीक से आभास का भी वर्णन है। ये भाष्यकार के अपने ही निरूपण है। सो ये आदि परंपरा से तीनों वाद चले आ रहे हैं। वादों में परस्पर कोई विवाद नहीं है। किसी साधक का स्वभाव, रुचि, योग्यता ऐसी है जिसको आभासवाद ज्यादा समझने में आसानी होती है, और किसी साधक को अवच्छेदवाद, किसी साधक को प्रतिबिंबवाद। तो रुचि स्वभाव के भेद से, योग्यता के भेद से परमार्थ वस्तु अलग अलग विद्यार्थी को, अलग अलग मुमुक्षु को अलग अलग वादों से समझाई जाती है, लक्ष्य में भेद नहीं है। अब इसका एक अर्थ क्या बनेगा कि ज्ञाता वह है जो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, आया ध्यान आया, कब पुनः अयम संयोगः। ये जब तक संयोग न हो शुद्ध चेतन क्यों प्रमाता बनेगा, उसकी क्या जरूरत है। साक्षिता अपि न तात्विकी, अद्वैत मकरंद में ये मंत्र ही आ गया कि साक्षिता कोई तात्विक स्थिति नहीं है। जो बिल्कुल विशुद्ध चेतन है, माने करण का प्रयोक्ता नहीं है, किसी करण को ग्रहण नहीं करता, प्रमाता की परिभाषा मालूम है क्या है? प्रमाता स्वतंत्र। स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, बोलते हैं करणानाम अप्रयोज्यत्वे सति, हाथ बाहर निकालो, करणानाम अप्रयोज्यत्वे सति प्रयोजकः प्रमाता। माने थोड़ा सावधानी, खुद जानना चाहिए क्या महत्वपूर्ण है, वो तूष्णी भाव की तरफ जाना नहीं है। करणानाम
अप्रयोज्यत्वे सति प्रयोजकः, अथवा ऐसे भी बोलते हैं करणानाम अप्रयोज्यत्वे सति प्रयोक्तृत्वं प्रमातृत्वं। प्रयोजकः प्रमाता बोलेंगे और प्रयोक्तृत्वं प्रमातृत्वं ऐसी परिभाषा करेंगे। इसका अर्थ समझ में आया? देखो इसका अर्थ ये बना कि जो करणों के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि करणों को जो प्रयुक्त करता है उसका नाम है प्रमाता। जैसे इंद्रियों का जो प्रयोग करता है वो प्रमाता है, इंद्रियों से प्रयुक्त नहीं होता बल्कि इंद्रियों का प्रयोग करता है। बुद्धि से प्रयुक्त नहीं होता बल्कि बुद्धि का प्रयोग करता है। ये देखो कैसी परिभाषा बनाई, करणानाम अप्रयोज्यत्वे सति प्रयोक्तृत्वं प्रमातृत्वं। इसलिए उसका नाम दिया स्वतंत्र। प्रमाता स्वतंत्र है करणों के प्रयोग करने में, नहीं करने में, अन्यथा करने में स्वतंत्र है, इसलिए उसका नाम प्रमाता है। ठीक है, क्लियर। इसका सीधा मतलब है कि अगर वह इंद्रियों से संबंधित नहीं है तो फिर वह प्रमाता नहीं हो सकता, माने प्रमातृत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती यदि इंद्रियों का, करणों का अहम के साथ संयोग ना हो। तो करणानाम अभिमानी क्या बना, चाहे उसको प्रतिबिंब कह लो, चाहे उसको आभास कह लो, चाहे उसको आप अवच्छिन्न कह लो, अवच्छिन्न कह लो, इतना कहना पड़ेगा कि करणों के साथ उसका एक संयोग है। बिंब होकर के हो, आभास होकर के हो, या अवच्छिन्न होकर के हो, ये कहना पड़ेगा। भगवान ने गीता में जो शब्द दिया वो भी काफी सुखद है और समझने में उपयोगी है। वो क्या शब्द है? प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृतिस्थ भुंते प्रकृति जान गुणान। अब देखो क्या कहना चाहते हैं कि प्रकृतिस्थ हुए बिना उसमें भोक्तृत्व की उत्पत्ति नहीं होती। अब आप उस प्रकृतिस्थ की व्याख्या में चाहे प्रतिबिंब लो, आप चाहे आपको ये कहने की इच्छा है कि सूर्य वहां से टपका नहीं, जलस्थ नहीं हुआ, क्या रहा? सूर्य तो नभ में ही रहा तो प्रतिबिंब जो है वो जलस्थ हुआ, आप ये कहो, या फिर कहो कि जो आकाशाभास है वो जलस्थ है, ये जलस्थ तो बताना पड़ेगा, ठीक। और या कहो कि ये आकाश घटस्थ है। अब जल जल नाम की चीज को हटा ही दिया उन्होंने। अवच्छेदवाद का तो सीधा मतलब है एक अवच्छेदक है एक अवच्छिन्न है। घट में अवच्छेदकत्व तो आपने माना हुआ है और अवच्छिन्न कौन है? आकाश। सर्वथापि हर दृष्टि से एक बात तो साफ है कि चेतन सीधे प्रमाता शब्द वाच्य नहीं है। ये
अंतकरणाभिमानी होकर के, भगवान इसको बार बार बोलते हैं, कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। गुण संग संयोग शब्द बोलते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि भरत अर्षभ, संयोग शब्द बोलते हैं। और वहां इतनी बड़ी मीमांसा करी, कब पुनः अयम संयोगो नाम, ये संयोग क्या चीज है जरा समझाओ। यह जो प्रमात्रत्व नाम की एक चीज है, जो अनुभूयमान है, उसका एक दूसरे के साथ अन्योन्या भाव है। और यहां पर परमातृत्व में अनेकता को स्वीकार किया गया है, इसलिए वेदांत में जीव एक नहीं, जीव में अनेकता है। देखो बद्ध मोक्ष की, भोग की, क्रिया की, सबकी व्याख्या इससे हो जाती है कि आत्मा परम आत्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। तो बद्धता की अनुभूति, अगर मैं ये कह दूं कि बद्धता माने अविद्या बुद्धि में रहती है, अभी मैंने कहा उसको अविद्या बुद्धि में रहती है और वहीं उसकी निवृत्ति होती है, वो तो ठीक है। लेकिन बद्ध मैं अपने को मानता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बुद्धि बद्ध है, ठीक है। ये बद्ध मुक्त, हाँ ये ठीक है कि सुख का स्थान अंतःकरण है, दुख का स्थान अंतःकरण है, लेकिन सुखी दुखी मैं अपने को मानता हूं। तो जो सुखित्व दुखित्व है उसमें अन्योन्य भाव हो रहा है, बद्धत्व मुक्तत्व में अन्योन्य भाव हो रहा है, सत्कर्मी और दुष्कर्मी में अन्योन्य भाव हो रहा है। यह सही है कि सत्कर्म माने क्रियाश्रय क्षेत्र है, सुख दुख इच्छा द्वेष आदि क्षेत्र में है, विद्या विद्या क्षेत्र में है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये मैं के ऊपर भासित होता है, ये तो समस्या है। अहम सुखी, अहम दुखी, अहम सत्कर्मी अथवा दुष्कर्मी, और फिर अहम बद्ध है और अहम मुक्त है। यह जो अहम की स्थिति है, यहां पर अन्योन्या भाव लग रहा है, वो तो बात ठीक है कि क्षेत्र में ये सब चीजें हैं। ये कौन है अहम? ये दृष्टा है, कुछ और है, कौन है ये? तब बोलते हैं ये संयोग का प्रसाद है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग का ये प्रसाद है। शंख बजती है ना पांचवी, उसके बाद जो गांव में पंजीरी बंटती है, सत्यनारायण बाबा की कथा में वो ये है। ये इसी का नाम जीव है। जीवत्व को भंग होना है, माने संयोग को भंग होना है। कहीं हम किसी साधक समाज में बात कर रहे थे, बात आई कि बुद्धि में अविद्या है। अब इसको कोई काट नहीं सकता, विद्या अविद्या का स्थान जो है वो बुद्धि ही होगी। बुद्धि में अविद्या है, वहीं विद्या उत्पन्न होती है। आत्मा निर्बंध है और उसका विद्या विद्या से क्या लेना देना।
बोले ये बात भी ठीक है, लेकिन मैं बद्ध हूँ यह अनुभव हो रहा है और मुझे ही अनुभव होना चाहिए कि मैं मुक्त हुआ, और आपने एक दूसरे को ही बद्ध बताया और वही मुक्त हो गया, तो मेरी तो कहानी नहीं शुरू हुई। देखो, क्योंकि मैं थोड़ो बुद्धि की विद्या अविद्या में इंटरेस्टेड हूं, मेरी जो स्थिति है, मेरा कुल ले दे करके कंसर्न इतना ही है कि इस समय मैं बद्ध हूं और इसी जगह जहां बद्धता की अनुभूति हो रही है वहीं पर मुक्ति की अनुभूति होनी चाहिए, तब तो कोई बात हुई। लगा हां भाई ये कहना सही होते हुए भी पूरा नहीं है कि विद्या का आधार बुद्धि है और अविद्या अविद्या भी वहीं पर है, विद्या भी वहीं नहीं, इतरेतर देखना उस शब्द को, कब पुनः संयोग है उसको पकड़ लेना। इतरेतर तद्धर्माणाम अध्यास संयोग मिथ्या ज्ञान लक्षण, यह जो संयोग है इतरेतर धर्माणाम अध्यास, बुद्धिगत अविद्या क्षेत्रज्ञ के ऊपर आरोपित हुई और क्षेत्रज्ञ की जो आत्मता है वो बुद्धि में आरोपित हुई। जब तक इतरेतर अध्यास न हो बनता है, शरीर के धर्म क्षेत्रज्ञ पर आरोपित हो रहे हैं, मैं ये किसी और पर आरोपित नहीं कह रहा हूं, शुद्ध चेतन पर ही आरोपित हो रहे हैं, क्षेत्रज्ञ शब्द लिखा, शरीर के धर्म क्षेत्रज्ञ पर आरोपित हो रहे हैं और क्षेत्रज्ञ की जो निजता है, क्षेत्रज्ञ कौन है, आत्मा है, तो उसका आरोप शरीर पर हुआ, तो हमने कहा शरीर मैं मनुष्य हूं, देही हो गया मैं, ये देखो अमरता का आरोप होगा, प्रियता का आरोप होगा, सत्ता का, माने दोनों ओर से आरोप होता है, और तब जा करके एक जीवत्व की उपस्थिति होती है, मिथ्या उपस्थिति है लेकिन है। जिसको हम दृष्टा कहते हैं, कह रहे हैं, वो कौन है, वो संयोग रहित जो चेतन है, जहां पर आप उसको प्रमाता नहीं बोल सकते, जहां पर उसको आप ज्ञाता नहीं बोल सकते, इसका अभिप्राय क्या हुआ, उपाधि से सर्वथा विनिर्मुक्त जो निरुपाधिक चेतन है, उपाधि रहित वह चेतन क्षेत्रज्ञ है, वो परमात्मा है। बोले दो चेतन हुए, बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो एक को आभास कहा गया। ये जो कई बार टहलते समय काफी एक घंटे प्रवचन कर दिया जाता है, मैं उब जाता हूं, मुझे रोकना पड़ा उस दिन, उसको जिसको आप कहते हो उसकी सत्ता तो है ही है, है ही है। उसको सबने यही कहा कि ये या तो आभास है या तो प्रतिबिंब है, अध्यास लक्षण है, मिथ्या ज्ञान है। श्रुति ने क्या कहा उसको, आत्मनः एष प्राणो जायते, पढ़ा आपने ना प्रश्नोपनिषद में, यथा सतः पुरुषात् छाया, यही है ना सतः ना, यथा पुरुषात् छाया,
जैसे पुरुष की छाया, दिस इज द स्टेटस ऑफ जीव, तो दो कैसे बोल सकते हो? पुरुष और छाया दो होते हैं क्या? चीज तो एक होती है, लेकिन एक उसका प्रतिबिंब स्थानी है, छाया स्थानी है, मिथ्या उपस्थिति है, उस उपस्थिति का निमित्त है कौन? संयोग। संयोग का निमित्त है अविद्या। ये क्या अविद्या है इसमें? इसमें अविद्या ये है कि जो सर्वथा निरंश निरवय है, चेतन है, उसका आप संयोग कर रहे हो। आपको याद आया तीन तरह के संयोग बताए भाष्यकार ने, घट का रस्सी के साथ संयोग, तंतु और पट का संयोग, और फिर अंत में कहा जैसे रज्जु और हाँ अध्यास लक्षण संयोग। तो चूंकि अपनी निरवयवता को, अपनी निरंशता को, अपनी विशुद्ध चिन्मयता को हम नहीं जानते हैं, इस अविद्या के निमित्त से विवेका भाव निबंधन, इस अविद्या के निमित्त में नैसर्गिक संयोग हुआ पड़ा है, उसका नाम है जीव। वो बुद्धिगत अविद्या के साथ अपने को एक किए बैठा है, तो बोलता है मैं बद्ध हूं और सारे धर्म अपने ऊपर ले लिया, मैं सत्कर्मी हूं, मैं सुखी हूं, दिखूं दुखी हूं। ये अध्यास की उपस्थिति में यह अनुभूति हो रही है, न कि यथार्थ अनुभूति है। सो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोगता है, लेकिन यह भी बात है कि यही महेश्वर है, फिर यही परमात्मा है, यही पुरुष परह है। ये देखो 23वां श्लोक आया। प्रकृतिस्थ होने पर भोगता है भूंगते, लेकिन वही जो भूंगते है उसका अगर ये स्वरूप बोध हो जाए और उपाधि से संयोग न करे तो उसमें ज्ञातृत्व प्रमातृत्व आदि का भ्रम टूटेगा। विशुद्ध चेतन की स्थिति में, निर्विशेष चेतन की स्थिति में वो ज्ञाता ज्ञाता नहीं है, और तब ये नहीं कह सकता कि मुझे एक बुद्धि का ज्ञान है दूसरी बुद्धि का ज्ञान नहीं है, तब उसकी स्थिति क्या होगी? क्षेत्रज्ञ की क्षेत्री, क्षेत्री तब वो समस्त क्षेत्र का अधिष्ठान है, तब कहे को दृष्टा। आया पकड़ में आ गया? ये बारीकी आई समझ में? भगवान ने क्या बोला? क्षेत्रम क्षेत्री, निरुपाधिक चेतन को भगवान प्रेफर कर रहे हैं कि निरुपाधिक चेतन को दृष्टा न कह करके क्षेत्री कहा जाए, क्षेत्र स्वामी कहा जाए, सारा क्षेत्र उसी में है, अध्यास रूप से, प्रतीति रूप से, सारे क्षेत्र का अविना भाव है उसके साथ, इसलिए उसको कहा जाएगा क्षेत्री। अधिष्ठान 10-5 नहीं होते, दृष्टा भले आपको लगता हो 10-5 हो, लेकिन अगर दृष्टा को अधिष्ठान की तरह से समझा जाए
आया। दृष्टा की जिस दिन अधिष्ठानता समझ में आएगी, अधिष्ठान 10-5 नहीं होते, अधिष्ठान और क्षेत्र शब्दवाच्य महाभूत से लेकर धृति तक है, तो समूचा क्षेत्र उसी में है। उत्पत्ति स्थिति कालेषु यदात्मताम न जहति, वह चेतन है। काहे को उसको दृष्टा बना के जुग जुगा रहे हो आप एक जगह? बोले फिर दृष्टा बोलते हैं, वो एक अनुसंधान का सूत्र बनता है। तुमने दृश्य को मान रखा है, दृष्टा को मानते ही नहीं, तो कम से कम क्या दृष्टा कहकर के मनवाया तो जाए कि अगर दृश्य सिद्ध है तो दृष्टा तो सिद्ध ही है। फिर एकता अनेकता पर जब चर्चा होगी तब हम तुमको बतावेंगे क्या कि दृष्टा अधिष्ठान है और अधिष्ठान अनेक नहीं होता। जो उसको आप पहले तो क्षेत्रज्ञ कह रहे थे, अचानक आपने क्षेत्री कह दिया, बोले उसमें एक रहस्य है ना। दृष्टा को कहां ले जाना है? अधिष्ठान के रूप में उसकी पहचान करानी है। तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। ओम। मेरे ख्याल से इतना काफी है इस श्लोक पर, लेकिन मनन मैं जानता हूं कि इस पर और मनन होना चाहिए, बट मैं अब कल इसको पूरा करूंगा। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।